ओके, सिस्टमैटिक क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी आपस में किस तरीके की रिलेशनशिप है, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक कहते हैं। इसमें हम जो है इवैल्यूएशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ, उनके बीच में लिंक क्या है। ओके, नेक्स्ट इज़ द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, दैट इज़ सिमिलरिटीज डिक्रीजेज एंड डिफरेंसेस इंक्रीजेज। इसमें हम सिमिलरिटीज जो देख पाए और डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि स्पीशीज़ है पैंथ्रा लियो, पैंथ्रा पैराडस एंड पैंथ्रा टाइग्रस। स्पीशीज़ आर सेम, वो जनरा आर सेम, बट द स्पीशीज़ आर डिफरेंट। ठीक है, इसमें इन्होंने आपको पूरा क्लासीफाई करके बताया, जैसे कि जीनस इज पैंथ्रा, फैमिली इज पैंथ्रा एंड फेलिस टुगेदर, ऑर्डर फेलिडीज, कैट फैमिली, क्लास इज कार्निवोरा, फाइलम इज व्हाट इज़ द फाइलम, मतलब जो भी फाइलम है इनका, किंगडम है एनिमिलिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज द स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज वन एज अ स्पीशीज। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरप्रेट वन विद वन ईच अदर एंड देयर इज अ स्लाइट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और डिफरेंसेस अकर्स बिटवीन देम। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर देन वन कैरेक्टर इन कॉमन। जो जीनस होते हैं वो स्पीशीज़ का एक ग्रुप है जिनमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर थोड़े से कॉमन हो। ठीक है, वी कैन से द जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो मैंने आपको ये समझाया था कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज फॉर्म जनरा, ग्रुप ऑफ जनरल्स फॉर्म फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन डिवीजन, देन किंगडम। तो दिस इज़ द किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। के लिए मैंने आपको एक मैजिकल मंत्र भी बताया था, आई थिंक, आई होप यू हैव शुड रिमेंबर इट। ओके, फिर नेक्स्ट इज़ द टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड्स वो एड्स होते हैं जो कि हमें क्लासिफिकेशन की करने में और क्लासिफिकेशन की उसकी स्टडी करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम फाइल बना के रखते हैं और जिसमें हम जो पुराने पेड़ हैं उनके जो स्पीशीज़ है, उनके अवशेष है, उनको ड्राई करके अपनी कॉपी में पेस्ट करके उनके बारे में लिख के रखते हैं, रिकॉर्ड्स बना के रखते हैं। बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे जो प्लांट्स जो हमारे मुझे हमें लगता है कि यूज़फुल हैं या जो है उनकी स्पीशीज़ को ग्रो करवा के रखते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं। म्यूज़ियम में क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस। जो प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस हैं उनको हम प्रिजर्व करके करते हैं। ठीक है, और ड्राई स्पेसिमेंस और स्केलेटन्स को भी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। जूलॉजिकल पार्ट यानी कि जू, जू मीन्स एनिमल, यहाँ पे हम एनिमल्स की स्पीशीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं। की एनालिटिकल इन नेचर, कीज आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। कीज क्या है? एक तरीके की एनालिटिकल चीज़ है जिसकी वजह से हम प्लांट और एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर कैटेगरीज। अब इसको हम करने के लिए कुछ हमारे पास एड्स हैं, जैसा पहला है मोनोग्राफ, वन फैमिली पर जनरा एट अ टाइम। सेकेंड इज़ द मैनुअल, पर्टिकुलर एरिया फैमिली पर जीनस और स्पीशीज, फ्लोरा, हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स। मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डिस्क्रिप्शन। मैनुअल हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ वेरियस स्पेसिमेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया, वेयरस मोनोग्राफ इज अ डिटेल्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड वर्क ऑन एनी पर्टिकुलर टैक्सॉन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ योर चैप्टर वन। आई होप दैट यू विल बी एबल टू grasp the chapter and you understand the concept of the chapter 1. Still, if you have any kind of queries or confusion, you can ask to me in your group. Okay, thank you and have a nice day. Take care.